हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज करण परवेश सिंह एंड यू आर वाचिंग रैपिड लीक्स। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भारतमाला परियोजना के एक और एक्सप्रेसवे के बारे में। आज हम थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं और हम बात करेंगे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के बारे में। 117 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो है, ये दोनों शहरों की दूरी जो अभी तय करने में लगभग 3 घंटे लगते थे, उसे कम करके 1.5 घंटे में ये दूरी आप तय कर पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर जो लागत आएगी वो लगभग 8,172 करोड़ रुपए आएगी। 10 लेन ये एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें से 6 लेन जो होंगी वो एक्सेस कंट्रोल्ड होंगी। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ दो दो लेन के सर्विस रोड भी बनाए जाएंगे, जो कि लोकल शहर या गांव में रहने वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए होंगे। इसे बेंगलुरु मैसूर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सप्रेसवेज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का भी बहुत बेहतर कार्य करते हैं, तो आइए इस एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ी तकनीकी जानकारी लेते हैं और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो केंगड़ी होगा और ये एंड करेगा नगु बनहाली। इसे दो पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज वन का कार्य जो है वो मई 2019 में शुरू कर दिया गया था और ये बेंगलुरु टू निदाघट्टा इन मद्दूर 56 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो इसका कार्य दिसंबर 2019 में शुरू कर दिया गया था और ये निदाघट्टा टू मैसूर 61 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अप्रैल 2021 अंत तक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 67.5% फर्स्ट पैकेज कंप्लीट हो चुका है, वहीं पर 50% सेकेंड पैकेज का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है। बेंगलुरु मैसूर इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक और खासियत है कि जो बीच में बड़े टाउन या शहर पड़ेंगे उन्हें ये बाईपास द्वारा पास करेगा, तो ये बाईपास जो है वो ग्रीन फील्ड का हिस्सा होंगे। जो सिटीज इसमें इंक्लूड होंगी वो है बिद्दाड़ी, रामनगर, चन्नापटना, मद्दूर, मांड्या और श्रीरंगपटना। इस एक्सप्रेसवे पर 9 बड़े ब्रिज होंगे, 44 छोटे ब्रिज होंगे, 4 रोड ओवर ब्रिज होंगे और 49 अंडरपासेस होंगे। इसके अलावा कई हिस्सों में एलिवेटेड कॉरिडोर्स भी बनाया जाएगा, जैसे कि 5 किलोमीटर का सेक्शन बनाया जाएगा आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु पर, वहीं पर 3 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन बनाया जाएगा मद्दूर में और तीसरा जो बनाया जाएगा वो श्रीरंगपटना में बनाया जाएगा। लगभग 8,000 वर्कर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें बेंगलुरु मैसूर रोड के एक्सपेंशन की, तो ये हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल यानी HAM के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है, जिसका अर्थ ये है कि NHAI जो है वो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में आने वाली लागत का 40% योगदान देगी और डेवलपर जो है वो बचा हुआ 60% देगी। इस एक्सप्रेसवे पर जितने भी टोल होंगे वो NHAI कंट्रोल्ड होंगे और जैसे ही डेवलपर की पूरी लागत ब्याज समेत निकल जाती है, ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो NHAI के कंट्रोल में आ जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके लोकल शहर, आपके गांव, कस्बे से अगर ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है तो उसके रीसेंट अपडेट्स क्या हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारे व्यूवर्स को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।